सत श्री अकाल, वेलकम टू ब्लूप्रिंट ओवरसीज़। मैं हूं जितेंद्र सिंह। आप यूरोप के किसी भी पार्ट में रह रहे हैं, चाहे आप जर्मनी में हैं, इटली में हैं, चाहे आप फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल में हैं, और आप वहां से ऑस्ट्रेलिया का टूरिस्ट वीज़ा लेना चाहते हैं, तो ये पॉसिबल है। वहां से आप ऑस्ट्रेलिया का टूरिस्ट वीज़ा ले सकते हैं, बस आपके पास डॉक्यूमेंट जो है वो कम्प्लीट होने चाहिए। यदि आपके पास कंप्लीट डॉक्यूमेंट हैं, आपके पास प्रॉपर एक वीज़ा स्टेटस है, तो आप ज़रूर अप्लाई करें वहाँ से ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा, और वहाँ से वीज़ा सक्सेस रेट जो है वो बहुत बढ़िया है। हम बात करें यदि आप अब्रॉड से वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, मीन्स आप इंडियन सिटीजन हैं बट आप इंडिया में नहीं रह रहे, आप यूरोप के किसी भी पार्ट में हैं, चाहे जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, चाहे पुर्तगाल में है, तो आपका फर्स्ट रिक्वायरमेंट जो है वीज़ा स्टेटस है, कि आपका वहाँ पे वीज़ा स्टेटस क्या है। चाहे आप स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट के भी वीज़ा लगते हैं, चाहे आप वहाँ पे परमानेंट रेजिडेंस है तब भी आपका वीज़ा आ सकता है, वर्क परमिट पे है तब भी आपका वीज़ा आ सकता है। यदि आपका वहाँ पे एक लीगल स्टेटस नहीं है तो आपका वीज़ा नहीं आएगा, उस केस में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यदि आप वहाँ से अप्लाई करना चाहें तो सबसे पहले आप अपना वीज़ा स्टेटस चेक करें कि आपके पास वीज़ा जो है वो वैलिड है या नहीं। वीज़ा एटलीस्ट आपके पास 6 मंथ तक और वैलिड होना चाहिए। यदि आपका आने वाले 6 मंथ तक वैलिड है तो आप एलिजिबल है। फर्स्ट रिक्वायरमेंट आपकी ये फिल करनी है। सेकंड, इसके बाद जो आपने रिक्वायरमेंट फिल करनी है, इसके बाद आपकी सेकंड रिक्वायरमेंट जो आपने फिल करनी है वो है आपकी इनकम प्रूफ और आपके जॉब प्रूफ। जो आप काम कर रहे हैं, आप वर्क परमिट पे हैं, चाहे आप परमानेंट रेजिडेंसी है, तो आपको वहाँ पे जो भी काम है आपका, चाहे वो बिजनेस है चाहे आपका जॉब है, यदि आप वर्क परमिट पे होंगे तो आपके पास जॉब होगी, यदि आप परमानेंट रेजिडेंस है तो आपके पास बिजनेस भी हो सकता है, जॉब भी हो सकती है। तो आप उनके प्रूफ जो है साथ में ज़रूर लगाएं। जॉब के प्रूफ में आपको क्या शो करना है, सबसे पहले आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद सैलरी स्लिप्स, फिर आपका सैलरी अकाउंट और आपका सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट में आप मान के चले आप यूरोपियन पार्ट में हैं, तो आपके पास 6,000 यूरो के आसपास फंडिंग मिनिमम होनी चाहिए। 6,000 यूरो के पास आपकी फंडिंग है तो आप ऑस्ट्रेलिया का जो ट्रिप है वो आप अफोर्ड कर सकते हो, और यदि आप अफोर्ड कर सकते हो तो आपके वीज़ा भी निकल सकता है। तो पहले आप जॉब कर रहे हो तो आपकी रिक्वायरमेंट मैं रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले आपको सैलरी स्लिप, जॉब कॉन्ट्रैक्ट, आपका सैलरी अकाउंट जिसमें सैलरी आ रही है, सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट और सैलरी अकाउंट एक हो सकता है, और यदि आप सेविंग अकाउंट में जो फंड शो कर रहे हैं वो 6,000 के यूरो के आसपास के शो कर दे तो आप बिल्कुल एलिजिबल हो जाएंगे। और इसके बाद आपको जस्ट अपनी आईडी शो करनी है, अपना पासपोर्ट देना है, और आपके जो टैक्स प्रूफ हैं वो आपने देने हैं, तो ये डॉक्यूमेंट कंप्लीट होते हैं तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। यदि आप वहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस रजिस्ट्रेशन, टैक्स प्रूफ और बिजनेस की कुछ इनवॉइस बिल है आपके पास, सेल परचेज के बिल हैं तो वो शो कर दे, आपका बिजनेस अकाउंट है यदि वहाँ पे तो वो शो कर दे। ये डॉक्यूमेंट आपके पास कंप्लीट है तो बिल्कुल एलिजिबल है। और यूरोप से वीज़ा का सक्सेस रेट जो है वो बहुत बढ़िया रहता है, वहाँ से वीज़ा इजीली निकलते हैं, और काफ़ी हमने एप्लीकेंट देखे हैं जिनके वहाँ से वीज़ास निकले हैं और उन्होंने अपना वीज़ा बड़ी ईजिली लिया है, तो काफ़ी केसेस में ये चीज़ देखने को मिलती है। तो आप भी यदि वहाँ से ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्लाई करना चाहें तो बिल्कुल हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करके अपना ऑस्ट्रेलिया का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करवा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेशन काम की लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए सत श्री अकाल।